नमस्कार बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़िए और क्वेश्चन जब भी आप लीजिए डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से, 100% आपको एक्यूरेसी मिलेगी। और क्वेश्चन को गौर से पढ़ने के बाद आप सोचिए और सर्च भी कीजिए यूट्यूब पर इसका सॉल्यूशन, आप पाइएगा कि इसका दो आंसर आ रहा है। एक यूट्यूब बता रहा है एच इक्वल टू 3.8 mm और दूसरा का आ रहा है 5.4 mm, और वो दोनों जो आंसर है अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा, अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, दोनों का आंसर सही है। लेकिन जेई एडवांस पार्टिकुलर दिस क्वेश्चन के लिए एच इक्वल टू 3.5 टू 4.5 के बीच एमएम आंसर पब्लिश किया है। आप सोच सकते हैं कि जेई एडवांस का कितना डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है। जो टीचर फिजिक्स बैकग्राउंड से है भले वो पीएचडी क्यों ना रहे, जेई एडवांस का सोल्यूशन परफेक्ट नहीं निकाल सकता है, ये मान का आपको चलना पड़ेगा। वो एक इंजीनियर ही सोच के इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही सोल्यूशन निकाल सकता है। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं, करूंगा तो टाइम लग जाएगा, बोरिंग भी होगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, केयरफुली पहले दो बार पढ़ लीजिए। अगर आपका इरादा मजबूत है आईआईटी से ही हमको बीटेक करना है तो उसके लिए वीडियो है, ऐसे झोला ऐसे घूमने फिरने वाला जो स्टूडेंट टाइम पास करने पटना आता है उसके लिए नहीं है, सिर्फ ऐसे ही किसी तरह मेंस निकाल जाए। क्लियर में कर देता हूं, जेई एडवांस तैयारी करना है तो उसमें ठहराव चाहिए, डीप थिंकिंग चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, और वैसे टीचर को फॉलो करें जो 80% बात वीडियो पर या ऑफलाइन या ऑनलाइन दिमाग में घुसा दे। 20% ही एग्जाम आपको काम करना पड़े, 20% आपको रिवीजन करना पड़े। मेन मेरा मकसद है 80% यही बात रफा दफा कर दीजिए जितना भी जो पढ़ रहे हैं, बाद में आपको पढ़ने का सिर्फ की पॉइंट पकड़िए बस हो जाएगा आपका। सौभाग्य से मैं भी 2-2.5 साल इसी टाइप का क्लास किया हूं, बोर्ड ऑफलाइन क्लास, A to Z क्वेश्चंस लेके आंसर लेके A to Z कॉपी ने से पक्का नोट होता है, उस टाइप से किया हूं, वो चीज अभी तक दिमाग में रिटेन है। जब भी मैं नोट्स पलटता हूं तो लगता है आह क्लास का याद आती है, अब वो रहा कहां है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए, मैं कोशिश करता हूं ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन की तरह दिमाग में आपको रिटेन हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक गिलास है, गिलास में बोल रहा है लिक्विड है, पानी है, पानी का डेंसिटी सब दिया हुआ है, ये गिलास का डाया कुछ नहीं दिया हुआ, डायमेंशन बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कि केयरफुल्ली इसमें पानी भरिए इस टाइप से। अब देखिएगा एक स्टेज आने के बाद पानी थोड़ा ऊपर भी भरा जा सकता है, बहुत ही एमएम में 2 mm 3 mm तक तो भर रहे हैं। देखिए इससे ज्यादा नहीं हो सकती, देख लीजिए वो दिखाई पड़ता है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं भर सकते। अब ये जो हाइट है आपका गिलास का, ये जो आपका गिलास में जो हाइट है पानी का, देखिए यही मेन क्वेश्चन यहां से है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर कहां तक इसमें भर सकते हैं, ये जो थोड़ा सा जो बड़ा हुआ सरफेस टेंशन वजह से। लेकिन फिगर में जेई एडवांस क्या हुआ कि हाइट को ज्यादा कर दिया है तो लड़का कंफ्यूज करके, लेकिन पानी जब भरेंगे तो उतना नहीं भर पाएंगे जितना शो कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करेगा सर्कुलर दे दिया, इसीलिए कि कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा सर्कुलर सरफेस नहीं देना चाहिए, सर्कुलर फेस दे दिया है। अगर क्वेश्चन सोच समझ को दिया होगा
लेकिन उतना हाइट एज जो मेंशन किया हुआ कंपेयर टू गिलास, वो फिगर थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है। अब पानी जो भरेंगे तो बहुत कम आएगा। अब एनालिसिस कैसे करेंगे इसी का, आपको निकालना है कि मिनिमम एच निकालिए इतना कि पानी बाहर निकले नहीं, कितना एच हाइट तक भर सकते हैं कि पानी बाहर नहीं निकले। पानी का सब वाटर प्रॉपर्टी दिया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एच आपको फाइंड आउट करना है। और बोला कि ये जो किनारा जो वाटर बन रहा है ये आपका सेमी सर्कुलर डिस्क की तरह है, बस यही 3D को यहाँ 2D में प्रोजेक्टेड बता दिया गया, जो फिगर आप देख रहे हैं। आप कैसे अप्रोच लगाएं क्वेश्चन को, अब देखिए। तो इसी के लिए मैक्सिमम आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले तो रिटेन करना है, तो सरफेस टेंशन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसको फाइंड आउट कीजिए। सरफेस टेंशन पानी को रोकना चाहेगा लेकिन प्रेशर वजह से पानी बाहर जाएगा, दोनों फोर्स को बैलेंस कर देंगे तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक ये भी मेंशन किया हुआ कि बॉटम में जो प्रेशर है वही मैक्सिमम है, तो एच पर प्रेशर बॉटम में कितना, रो जी एच मैक्सिमम प्रेशर है, तो मैक्सिमम प्रेशर रो जी एच हो गया। जब भी एरिया जब लेते हैं, दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, फ्यूचर में सिविल या मैकेनिकल लेते हैं तो मैक्सिमम फोर्स जो निकालते हैं ड्यू टू मैक्सिमम प्रेशर वजह से, हमेशा लीजिए प्रोजेक्टेड एरिया जहां पर प्रेशर लग रहा है, तो ये मन इस टाइप से डिफरेंट कर प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट करने पर जितना एरिया आ रहा है वो एरिया इसलिए लिया था, मैक्सिमम एरिया रहेगा तो मैक्सिमम प्रेशर रहेगा, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, तो वहां एच भी वेरी करेगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमेशा 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कॉन्सेप्ट इसी बेस के आधार पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर जो लग रहा है यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब रहे, कैपिलरी ट्यूब में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है और प्रेशर जो फोर्स लग रहा है दोनों को बराबर कर देंगे, तो एच जो वेरी कर रहा है जैसे कैपिलरी राइज में वही चीज है कि कितना पानी को होल्ड कर सकता, तो नीचे जो वेट हो गया वो नीचे वो फोर्स हो गया, ऊपर सरफेस ऊपर फोर्स हो गया, इसमें क्या है इस टाइप से इस ये आपका सरफेस टेंशन पानी को होल्ड करना चाहेगा और प्रेशर जो लगा ये बाहर की ओर लगेगा, दोनों को बैलेंस कर देंगे कितना इजी बन जाएगा। अब प्रोजेक्टेड एरिया क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया को मैक्सिमम फोर्स निकालते, इसी कॉन्सेप्ट की पॉइंट है यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो मैं दोनों को बैलेंस करने के लिए हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया को कंसिडर कीजिएगा, कौन बताएगा, एक इंजीनियर ही बता सकता है, एक सिविल इंजीनियर ही बता सकता है कि प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या है, क्यों उसको प्रेशर मर्ज बनाया, तो मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए प्रेशर एरिया और मैक्सिमम प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैक्सिमम फोर्स उसके डिजाइन कर दीजिए। इसमें एच एक वेरिएबल आ गया, वेरिएबल कम निकलेगा तो कभी भी पानी नहीं फ्लो होगा, उतना ही हाइट में कभी भी पानी फ्लो नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। सरफेस एनर्जी की वजह से निकालिए जैसा 12 है तो उसमें एच इक्वल टू 5.4 या 5 आ रहा है, सरफेस टेंशन एनर्जी का दोनों बराबर कीजिएगा, प्रेशर एनर्जी और सरफेस टेंशन एनर्जी, तो उससे आपका वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, वो आइडियल कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन है, फिजिक्स वाला के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जब बोला पानी भरना है बोल रहा है केयरफुली भरना है कि पानी बाहर निकले नहीं, इसलिए एच का वैल्यू कम है 3.5, बस आपका 70% आप 10% कैलकुलेशन करना है। ये चीज क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, जितना बोले होल्ड कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, आप वीडियो देखिए आराम से कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है यहां पे बस ये फिगर दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गिलास है ठीक है और इसमें पानी भर रहे हैं, यहां तक पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पानी भरा जा सकता है, यहां तक
इसके बाद जो पानी है यहाँ भरिया देखेगा एक लेयर तक ऊपर तक पानी भर सकता है, इस टाइप से फिगर आएगा ऊपर तक भी देखिए इस टाइप। आप खुद प्रैक्टिकल कर कीजिए, कुछ ऊंचाई तक इस हाइट तक पानी आराम से भर सकते हैं। बस इसी बोलता है आपका, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, हर चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में, बोलता है कितना। अब ये जो बना रहा है ना, ये बोलता है कि इस सेमी सर्कुलर डिश बना रहा है, यही हाइट यहां से यहां तक एच आपको फाइंड आउट करना है। कैसे प्रूव करेंगे, बस यहां जो आपका गिलास है, ये गिलास, ये गिलास को हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हमको एनालिसिस करना है ये, तो ये पोर्शन बन गया आपका इस टाइप से, ऐसे बना लीजिए और इसका थिकनेस ऐसे करके बस यही करना है, या कोई एच निकाल देना है, बस कुछ नहीं करना है। अंदर जो फोर्स लगा, देखिए अंदर जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स, फोर्स डी टू सरफेस। यहां भी एक लेयर हो गया, सरफेस टेंशन तभी फ्री सरफेस में लगता है, तो एक सरफेस ऊपर वाला हो गया, एक सरफेस नीचे वाला भी लगेगा, अंदर की अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की, सोने का करते हैं, एक सरफेस यहां एक सरफेस नीचे, वो क्या करता है पानी को अंदर होल्ड करता है। और एक जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो हमेशा लगेगा बाहर की, इस पर लगेगा फोर्स, इस पर वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, इस टाइप से चारों तरफ दोनों को बराबर कर देंगे तो ऐसे निकल जाएगा, ये आपका बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है यहां पर, इस चारों तरफ यहां पर लग रहा है। अब इसको एनालिसिस करने के लिए जैसे ड्रॉपलेट हो गया, वाटर जेट हो गया, जो भी आपको बबल्स हो गया, 20 से कट कर दीजिए यहां से। कट करने के बाद अब देखिए क्या होगा, कट करने के बाद देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे बनाते हैं हम लोग। अब देखिए यही चीज था, फिगर आप यहां देख लीजिए, क्वेश्चन जो बोला हूं ये आपका क्वेश्चन सेम यहां लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। When water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass due to the surface tension of water. कहने का अर्थ क्या है? को इसमें जो पानी भरा है यहाँ पे, ये आप मान लीजिए कि ये जो आपका rim है, यही rim हो गया, ये position। तो इसके h तक पानी ऊपर तक भर सकते हैं। ये दिया हुआ है, टू कैलकुलेट एच जस्ट बिफोर वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग। अब यहां पे कैलकुलेट एच का मान निकालना है कि जस्ट बिफोर से पहले कि वाटर स्टार्ट फ्लो कर सके। मॉडल द शेप ऑफ द वाटर अबव द रिम एज ए डिस्क ऑफ थिकनेस एच हैविंग सेमी सर्कुलर एज। ये जो एज है ये सेमी सर्कुलर दे दिया, कोई बात नहीं है, एज शोन स्कीमेटिकली इन द फिगर। When the pressure of water at the bottom of this disc exists, what can be withstood due to the surface tension? The water surface breaks near the rim and water starts flowing from there. If the density of water, its surface tension and acceleration due to the gravity are 10 power 3 kg per meter cube, 0.07 newton per meter and 10 दिया हुआ meter per second. स्क्वायर रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ एच इन एमएम। एच का मान निकालना क्या एमएम में, तो क्या बताया, ये नीचे का जो गिलास का पोर्शन का कोई मतलब नहीं है, यही फिगर इतना जो बड़ा दे दिया, ये थोड़ा सा रियल फिगर नहीं है, ये मेनली ये है प्रैक्टिकल ये दिया हुआ। ये देखिए गिलास में पानी भर के ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा बन रहा आपका, ये जो पोर्शन आपका एक्स्ट्रा बन रहा है ऊपर का, देखिए हाइट दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, मैं कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक यही हाइट मांग रहा है कि पानी बाहर नहीं निकले। तो गिलास के नीचे जो पानी है ना बेकार, इसको यूज नहीं करना है ऐसे, सिर्फ हमको मतलब है ऊपर से। ऊपर से मतलब क्या है, इस टाइप जो दिया हुआ ऊपर का ये पोजिशन, और इसमें ले लीजिए इस तरह से फिगर बनाता हूं थोड़ा सा बड़ा सा, सॉरी इस एक मिनट गलती हो गया फिगर, ये जो बनेगा आपका इस तरह से बनेगा,
इसी को ना रहा, तो पहले तो एक इसे बनेगा इस टाइप का, और सॉरी ये इस टाइप से बनना चाहिए, इस टाइप से बनेगा, बस हो गया यही। अब हमको गैस गिलास के नीचे, अब देखिए इसमें जो बताए थे क्या, यही आपका वाटर है भरा हुआ, और एच जो होगा आपका ये एच निकल, कुछ नहीं करना है, बस फोर्स को बैलेंस कर देना है। तो ये जो पोर्शन आपका है, ये पोर्शन तो ये पोर्शन तो इधर भी है, देखा जाए गौर से 3D से, और ये पोर्शन इधर भी है, और ये हाइट जो दिया हुआ हाइट है ऑलरेडी, देखिए ध्यान से, यही पानी इसमें वाटर क्या भरा हुआ सरफेस है, तो प्रेशर जो है इस सरफेस पर, प्रेशर देखिए क्या हुआ, इस प्रेशर, इस सरफेस लीजिए तो इस पर प्रेशर लग रहा है, देखिए क्या बाहर की ओर लग रहा है, शो नहीं कर सकते, इसमें बराबर बाहर की ओर लग रहा है, देखिए इधर लग रहा है प्रेशर, प्रेशर 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 चारों तरफ से। अब इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो है सरफेस टेंशन हमेशा देखिए इनर की ओर लग रहा है, इसको अंदर की ओर, जो सरफेस टेंशन है ये अंदर की ओर, फर्स्ट लेयर हो गया, ये अंदर की ओर सरफेस टेंशन लग रहा है, ध्यान दीजिए, और ये एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे भी लग रहा है, नीचे का थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूं, जो कलर देंगे साफ दिखाई पड़े, ये जो है अंदर की ओर यहां भी लग रहा है, देखिए दो लेयर में लग रहा है ना, दो लेयर सरफेस टेंशन हो गया, और सरकमफ्रांस क्या हुआ, ये पूरा हो गया, तो ऊपर का सरफेस टेंशन, नीचे का सरफेस टेंशन, दो सरफेस टेंशन हो गया, इनटू लेंथ, लेंथ देखिए, लेंथ हुआ सरकमफ्रांस, ग्लास का मान लीजिए डाया क्या है, रेडियस क्या है ग्लास का, मान लीजिए क्या है ए, मान लीजिए ग्लास का रेडियस ए मान लेते हैं, रेडियस क्या यहां से यहां, यहां से यहां ए मान लेते हैं, तो यहां क्या होगा 2πa, तो 2σ इंटू क्या होगा 2πa, बस ये जो सरफेस टेंशन फोर्स हुआ, ये फोर्स डी टू सरफेस टेंशन कौन किसके ओर, अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस टेंशन एस कर दीजिए, इसका डायरेक्शन क्या है अंदर की ओर है। अब इस प्रेशर जो निकालेंगे, अब देखिए क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर दीजिए पीस, ब्रेक करने से क्या बने, ये देखिए कोई भी सर्किल है मान लीजिए, इसको हम ब्रेक करेंगे तो लेंथ आज निकल जाए, ये लेंथ निकल जाए, लेंथ कितना होगा, अगर रेडियस अगर बी है मान लीजिए, इसका कितना होगा लेंथ, तो 2πb होगा, बस वही चीज यहां पर है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो फिगर देखिए इसे बनेगा, कैसा था पहले, पहले था आपका इस टाइप से फिगर था, थोड़ा सा इस टाइप फिगर था, इसको हम कट कर दिए यहां पे, तो कट करेंगे तो देखिए ऐसा फिगर आ जाएगा, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से बनेगा, और ये जो है आपका एक कर्व रहेगा मान लो हल्का सा, है ना, और ये फिगर इस टाइप से ले लीजिए, ये आपका इस टाइप से लीजिए, और ये बन जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से देखिए, क्योंकि जब पूरा कट करेंगे यहां से, ये कर्व है, यही आपका यहां पे कर्व बन गया, यहां पे कर्व बन गया, और ये जो लेंथ होगा यहां से यहां 2πb होगा, यहां पर ये भी लेंथ क्या होगा 2πb। अब प्रेशर कहां लग रहा है, वो प्रेशर जो लग रहा है यहां पर प्रेशर लग रहा है इधर की ओर, ये पूरा प्रेशर इधर लग रहा है, प्रेशर जो होगा आपका मैक्सिमम प्रेशर इनटू फोर्स लगाएं इनटू ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, तो ये जो आपका हाइट पे एच हो गया, यहां से हाइट मान लीजिए, ये तो हाइट क्या एच है, ये हाइट आपका एच हो गया, ये हाइट, और ये सॉरी ये फिगर था सा यहां से बनना चाहिए था, ये से रहता तब जाकर फिगर, एक मिनट मैं फिर से बनाता हूँ फिगर था सा, क्योंकि इसमें हाइट भी प्रोजेक्टिव एरिया शो करना है, तो क्या करते हैं ऐसे बनाइए, ये हाइट है, लेंथ इस टाइप से होगा, और इस टाइप से होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिगर हाँ सामने बनना चाहिए फिगर, बस दिमाग में बना रहेगा, ऐसा नहीं कि बना कर यहाँ पेस्ट कर दें शॉर्टकट तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके, और ये जाएगा इसी के पन रूप ले जाइए,
है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे करके इसको ऐसे करके, बस बस यही क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। बस देखिए ठीक है, जैसे फिगर बना, ये आपका एच होगा और ये आपका एच होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर होकर दिक्कत नहीं, मेन है फिगर सामने में बनना चाहिए, सामने बनेगा दिमाग में रहेगा। ऑफलाइन क्लास है, क्वेश्चन भी आपको व्हाइटबोर्ड पर लिखा जाएगा, क्वेश्चन नहीं सर नहीं, ये आपका जो लगेगा सरफेस टेंशन यहां लग गया इधर की ओर, ठीक है, यहीं तक है लेंथ तक, एक लेयर यहां पर है, एक लेयर यहां लग रहा है, तो सरफेस टेंशन अंदर की ओर लग रहा है, पानी को होल्ड कर रहा है, इसी को अगर मोड़ेंगे तो यही बन जाएगा। अब प्रेशर जो लग रहा है बाहर की ओर लग रहा है, तो कलर हम चेंज कर देते हैं प्रेशर का, ये जो प्रेशर इसी प्रेशर पे अब बाहर की ओर लग रहा है, इधर से लग रहा है प्रेशर, ये बाहर निकलना चाह रहा है। अब कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो प्रेशर फोर्स है, फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, ये जो निकलेगा प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा, एरिया कौन सा, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू प्रेशर, तो मैक्सिमम प्रेशर ले लीजिए जो प्रेशर बन रहा है इनटू, वो हमेशा गेज प्रेशर होता है, इनटू एरिया कौन सा, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रो एक मिनट, हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा, ए प्रोजेक्टेड एरिया, बस ये प्रोजेक्टेड एरिया हो गया। आप देखिए ये जो मैक्सिमम बोल दिया क्वेश्चन में, मैक्सिमम बॉटम में लेना रो जी एच, वो गेज होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर भी एब्सोल्यूट एक्चुअल जिसको बोलते हैं, एटमोस्फेरिक और गेज, गेज होता है वो सरप्लस एक्सेस प्रेशर होता है, इसलिए ये जो होता है रो जी एच, इसका हो जाएगा कितना, तो रो जी एच क्वेश्चन में दिया हुआ बॉटम में लेना, एच या हाइट वही निकालना है। अब प्रोजेक्टेड एरिया जो होता है, देखिए ये हो प्रोजेक्ट, ये लेंथ कितना होगा, लेंथ इस क्वेश्चन में देखिए, लेंथ जो होगा हमेशा इसका टू पर, अगर रेडियस मान लीजिए बी है, इसका कितना है बी है, तो टू इसका जो लेंथ होगा एल टू पाए बी, ये भी लेंथ कितना होगा टू पाए बी, तो ये तो लेंथ हो गया, ये हुआ हाइट एच, यही हुआ प्रोजेक्ट मैक्सिमम प्रोजेक्ट एरिया, मीन्स टू पाई बी इन टू एच, ये हुआ प्रोजेक्टेड एरिया, बस ये हुआ मैक्सिमम फोर्स। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये सरफेस टेंशन, एक इसका सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू टू पाई बी भी कर सकते हैं एक, और फिर इसके लिए इंटू टू कर देंगे, दोनों एक ही तो टू कर, दोनों को बराबर कर देंगे, तो फोर्स डी टू सरफेस टेंशन और फोर्स डी टू प्रेशर बराबर कर देंगे, इसका क्या निकल जाएगा, टू सिग्मा इंटू टू पाई बी कर दीजिए इक्वल टू, इन है और कुछ है नहीं। अब इसको यहां बराबर रो जी एच इंटू क्या होगा टू पाई बी इंटू एच, हमको एच निकालना है, देखिए इसमें कैंसिल कुछ होगा, देखिए ध्यान से कैंसिल क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, खत्म कहानी, बी बी कैंसिल हो गया जिसको माने थे, फोर हो गया, टू से टू कैंसिल कर दीजिए, बस H इक्वल टू क्या निकल गया टू सिग्मा, और कुछ है डिवाइड बाय, और कुछ है तो नहीं है, नहीं डिवाइड बाय यहां कितना है रो जी एच, और यहां भी कुछ बचा हुआ है क्या, नहीं यहां लिख दीजिए, और टू सिग्मा सिग्मा रो जी और H, बस H का वैल्यू निकल गया, तो H इक्वल टू क्या निकल गया टू सिग्मा रो जी एच, जो जो वैल्यू दिया हुआ है यहां पर पुट कर देंगे, तो एच इक्वल टू, और कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है यहां पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, टू सिग्मा ठीक है टू पाई बी, इधर से प्रोजेक्ट एरिया रो जी एच, ओ एच एच दो है, एच स्क्वायर हो जाएगा, यस, फिर एच निकालना है, तो एच इक्वल टू रूट अंडर क्या करेंगे टू सिग्मा डिवाइड बाय रो जी एच, बस। अब क्वेश्चन में क्या करना है, इसी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, हिंदी में भी आप आ गया, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है हिंदी में भी क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोलना है, जो जो दिया हुआ पुट कर दीजिए, इसमें क्या पुट करना था बताइए, इसमें करना है एच का मान निकल गया कितना रूट अंडर टू सिग्मा डिवाइड बाय रो जी ए, रो जी और कुछ है क्या,
रो एच सॉरी सॉरी इसमें तो एच तो यहां चला जाएगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच और एच एच स्क्वायर हो गया टू सिग्मा बाय रो जी, और कुछ तो नहीं है, नहीं है ठीक है। तो इसमें यूज कर लीजिए रो जी, तो वैल्यू क्या होगा इसका, देखिए वैल्यू होगा आपका सर रूट अंडर टू इंटू सिग्मा, क्या है सिग्मा इसका सरफेस टेंशन दिया 0.07 सब अथी में 0.07 क्लियर, डिवाइड बाय रो 10 पावर रो आपका 10 पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू जी 10 मीटर पर सेकेंड। तो गड़बड़ ये किसमें आएगा, मीटर में आ जाएगा, ध्यान दीजिए टोटल किसमें आएगा मीटर में, तो कितना आएगा तो रूट अंडर इसको हटा दीजिए नीचे 100 आ गया, तो कितना हो गया 14 हो गया, ऐसा कितना है 3, 4, 6 10 पावर -6 कर दिया ऊपर चला गया, इसका 3 निकल गया, तो रूट अंडर 14 निकालना है इंटू, तो निकल गया 10 पावर -3 कर दीजिए कितना मीटर, mm करेंगे रूट 14, तो h इक्वल टू तो वैल्यू आएगा रूट अंडर 14, क्या mm कर सकते हैं आप, वैल्यू निकालना है, देखिए रूट 14 का निकालना दिमाग से लगाइए थोड़ा सा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बस समझ में आ गया, तो h के वैल्यू क्या होगा 3 to 4 के बीच आएगा, अब कैसे निकालना है तो 3.5 का निकाल दीजिए कितना आ रहा है ना, तो 3.5 को भी निकालिएगा, उसके बाद इसका निकालना आसान है कैसे, आपका 25 लिख दीजिए, अब 4 में एक 8 की 12 लिख दीजिए, बस हो गया, इसका निकल गया 12.5, कितना है 14, इससे कुछ ज्यादा, तो h इक्वल टू 3.7 या 8 कर सकते हैं, तो 3.8 मान के चलिए, बस आंसर किसमें दिया हुआ 3.5 mm टू क्या 4.5 mm, बस। तो मेन है कि कॉन्सेप्ट को पकड़ना, कैलकुलेशन भी इस तरह से आप ऊपर जैसा माइंड लगा के निकाल सकते हैं 3.8 आपका, और आंसर को रिलीज किया 3.5 to 4.5, देखिए कितना अच्छा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन देखिए यूट्यूब में और कंफ्यूज कर देगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट जो पकड़ना क्या है कि हमको मैक्सिमम प्रेशर फोर्स ड्यू टू प्रेशर कैसे होगा, मैक्सिमम प्रेशर और प्रोजेक्टेड एरिया क्यों नहीं, तो उससे ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता है प्रैक्टिकली, उससे ज्यादा फोर्स नहीं रहता है, एच को कम करना पड़ेगा, यही इसलिए एच कम, अगर मैथमेटिकल लीजिएगा सरफेस टेंशन इनर्जी जो 12 में लिखा हुआ 12 का एनसीईआरटी बुक में उसके थ्रू बनाइएगा तो ये पास यहाँ 4 आ जाएगा, ध्यान रखिए सरफेस टेंशन एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा उसमें 100% मैथमेटिकल ट्रू है, लेकिन क्वेश्चन जो रीड कीजिएगा ये क्वेश्चन ही पूछा है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमम आपको निकाल पाने बाहर नहीं जाए, उसमें क्या है कि प्रैक्टिकली हम कर नहीं सकते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उस टाइप का, थोड़ा सा 100% आइडियल कंडीशन है वो, तो इस टाइप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन को, इस टाइप को दोबारा क्वेश्चन अगर पूछा जाए इसी टाइप से आप गौर कीजिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का आपका अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कंट्रोवर्शियल रहे, YouTube में सोल्यूशन तो रहे लेकिन आपका कोई फायदा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो रहा, उससे सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और कुछ नया चीज लाकर डाल दिया है, बस पुट एंड गिव द वैल्यू नहीं, आपको आईटीएन बनना है, आपको तह तक जाना पड़ेगा, ऊपर से पासवर्ड से पूरा फॉर्मूला ला दिया बना दिया पूरा डिस्को डांस हाईफाई कर दिया, हम तो बहुत अच्छा टीचर है वैसा आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको ठहराव चाहिए, डीप थिंकिंग चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, और प्राउड एजुकेशन में इसको पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा, कॉन्सेप्ट पकड़िए और अपने आप को डेवलप कीजिए, दोनों क्लास अवेलेबल है ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव क्लास, तीनों मोड में क्लास चलेगा आपका, जिसमें आपको चॉइस है उसमें ज्वाइन कीजिए, और 3 लाख कर्जा लेके पढ़ाई नहीं करना है, बद्दी मैं कर्जा लेने में पढ़ाना चाहूंगा नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, लोन लेके पढ़ाई जो करवाता है उससे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं हो सकता है, पैसा नहीं है फाइनेंस तो ले रहा है ईएमआई कर दीजिए, उससे बड़ा देश का गद्दार नहीं हो सकता, देश का सबसे बड़ा गद्दार तो वही है, उसके खिलाफ मुझे और आपको जगना है, और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है।